गौरेला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5.5 करोड़ की लागत से बन रही सड़क भ्रष्टाचार का रास्ता बन गई है। गौरेला से अमरकंटक जाने वाली सड़क को भरी बरसात में रात में बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि महज 15 दिन पहले बनी सड़क उखड़ गई। इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ठेका कंपनी और अधिकारी डामर की सड़क में सीमेंट और कंक्रीट भर रहे हैं। यही नहीं, निगरानी के लिए साइट पर तैनात विभाग के कर्मचारी भी नदारद रहते हैं। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कह रहे हैं वो अभी सुन लीजिए। रात को तो काम नहीं करना चाहिए, और दूसरा बात, यदि गिरते पानी है तो लोड ला के बिछाना नहीं चाहिए। यदि लोड ला के बिछा दिया है तो उसकी परीक्षण करवा लेंगे, यदि ठीक ठाक रहेगा तो अलाउ करेंगे, वरना अमान्य कर देंगे उसको। सर, लगभग कितने का ये काम है, कितने लागत का काम है, कितने किलोमीटर का काम है? ये लगभग 5.5 करोड़ का है, और जो है 14.55 किलोमीटर लंबा। जो भी विभाग निर्णय ले, मैं अपनी तरफ से उससे परीक्षण कर लूँगा और क्या करूँगा। ठेके कंपनी पर किस तरह से निगरानी होगी सर? नहीं है तब तो निगरानी तो हो ही नहीं रहा है जी। उपस्थित रह के भी निगरानी नहीं करेगा तो उसकी लापरवाही के जो भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिले के प्रभारी मंत्री जयसी अग्रवाल से जब इस सड़क को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गलती हुई है तो जांच भी होगी और इसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। अभी बारिश के समय बन रहा था क्या? हाँ, तो वो समय उन्होंने गलत चुना है। कायदे से 15 जून के बाद डामरीगढ़ का कार्य बंद कर देना चाहिए नियम से। छत्तीसगढ़ सरकार एक और अमरकंटक से सटे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को पर्यटन के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है, वहीं दूसरी ओर यहां पहुंचने वाली सड़क पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। दया सिंह, RPL न्यूज, गौरेला।